ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిక. ఎంఐఎం పార్టీ నుండి వార్డు మెంబర్ 30 ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కరీం, వార్డు నెంబర్ 36 నుండి సయ్యద్ ఖుర్షీదులు వారి అనుచరులతో ఆదిలాబాద్ జిల్లా మైనారిటీ చైర్మన్ సాజిద్ ఖాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ. खुर्शीद भाई, सैयद खुर्शीद भाई जो वार्ड नंबर 36 से एमआईएम से कांटेस्ट करे, और आप जो सो इससे पहले कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ काम कर रहे, तकरीबन जो सो 20-25 साल से आपकी खिदमत मजलिस में है, और आप जो सो फ्लावर एसोसिएशन के जो सो प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ में करीम भाई वार्ड नंबर 30 के एमआईएम के सदर है, और उनकी पूरी टीम, ये लोग बहुत बड़े प्रोग्राम के तहत वार्डों में लगाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की लोगों को तकलीफ ना हो, और जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा बोल के प्रोग्राम नहीं लगा के आज मेरे घर पर आके, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के प्रोग्राम्स में आप शामिल हो रहे. उनका मकसद ये है कि इस देश में अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई जमात लेके चल सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है. बहुत सालों में मजलिस में रह के देख लिए कि आदिलाबाद की मजलिस का क्या हाल है, और दूसरे जगहों में मजलिस का क्या हाल है. जिस तरीके से मजलिस की जमात दूसरे स्टेटों में जाके सेकुलर जमातों को नुकसान पहुंचा रही, और आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से बीजेपी को फायदा हो रहा, तो आम लोग, आम सेकुलर लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां पे 400 सीट है वहां पे 26-27 सीटों पे कांटेस्ट करके मजलिस ये बोलना चाह रही अब की बार एमआईएम की सरकार. तो मेरा सवाल है उन मजलिसों से कि आप अगर 400 सीट में 26 सीट अगर जीतते हैं तो किस तरीके से सरकार बनाते हैं. तो जैसे कि यूपी में कांग्रेस कांटेस्ट करी या और दूसरी जमातें, एसपी कांटेस्ट करी, बीएसपी कांटेस्ट करी, आज बिहार में लालू प्रसाद यादव की जमात कांटेस्ट कर रही, ये सेकुलर पार्टी से पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम सेकुलर पार्टीज में कहलाता, ना तो उनसे आप अलायंस कर रहे और वहां जाकर उनके खिलाफ आप जो सो प्रचार कर रहे. तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, सेकुलर लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को ये मालूम हो गया है कि आज ये जमात सिर्फ वोट काट रही है,
और जो लोग हक बात बोल रहे हैं उस पे मजलिस वाले केसेस भी बुक कर रहे हैं। परसों मासूम बच्चों पे जो सो केसेस भी बुक किया सोशल मीडिया के, जबकि ये सोशल मीडिया के कार्टून्स बनाना या कुछ भी ऊपर से पोस्ट होना, दिल्ली से, हैदराबाद से या कहीं से पोस्ट आते, बच्चे जिसको पसंद आया उन्हें लाइक और शेयर करते, लेकिन ये आदिलाबाद के अपने वोटर से अपने बच्चे हैं, इन पे भी मजलिस वाले केस कर रहे, उसका सख्त मुखालिफत करता हूं मैं। कभी आपके होते कभी दूसरों के होते बच्चों का ओपिनियन बदलता, अगर अपने काम जिस तरीके से दूसरी जमातें फुकट का प्रोपोगंडा करती है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी बोल के, काम करने वालों को खुद ब खुद लोग पहचानते, आप अपना काम करते रहिए, खुद ब खुद वो लोग आपके पास आते, ना के केसेस बुक करने से ना तो डराने से। ये बोलते हुए मैं सारे पुरानी जो मजलिस की टीम है जो कांग्रेस में शामिल हुई, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको ये तहखुन देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, हमारी आदिलाबाद की टीम, पूरे तेलंगाना की टीम और पूरे जो सो डिस्ट्रिक्ट की टीम और पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस की टीम आपके साथ रहेंगी, आपके साथ हमेशा शाना बशाना, दुख में सुख में, और जितने भी लोग आप जिनकी जिनको रिप्रेजेंट करते, जिन वार्डों में आप रिप्रेजेंट करते, वहां के लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे बोलते हुए आप लोगों का तय दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और वेलकम करता हूं कांग्रेस पार्टी में। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि आप जानते हैं, सीसीटीवी कैमरा आज की जरूरत है। हम हर समय हर जगह तो नहीं रह सकते, तो क्या आपको भी इस बात की चिंता लगी रहती है कि आपके पीछे आपके घर में कौन कौन आता है, आपका नौकर आपके पीछे काम करता है या आराम, आपकी बेबीसिटर आपके बच्चे का कितना ख्याल रखती है, आपके टीनेज बच्चों से मिलने के लिए कैसे दोस्त आते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं या मस्ती, आपके एम्प्लॉय कितना काम करते हैं, आपकी कीमती सामान कहाँ गायब हो जाता है। अगर सीसीटीवी कैमरा हो तो वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ गलत करने की।